नमस्कार दोस्तों, मेरे स्वागत है शुभ यूट्यूब चैनल में। आज की इस कमाल वीडियो में आपके लिए लेकर कुछ मार्केट टेक न्यूज। तो मेरा नाम है मानव प्रताप और वी न्यूज देख रहे हैं आप। और यहाँ पर हम बात करें तो ये आपको मिलेगा कुछ अच्छे खासे, इसमें आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इसमें आपको पहले स्टार्टिंग में 3 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा सोनी लिव और हंगामा टीवी का, हंगामा प्ले का। और यहाँ पर मी आई आर केबल और ऑन साइट इंस्टॉलेशन जैसे आपको सुविधाएं आपको मिलेगी जब आप इसे खरीदेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ अगली न्यूज आती है वो आती है इंडिया की साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पर जो है इंडिया को 2017 में सारे टोटल जितने भी पूरे दुनिया में साइबर एप्लीकेशन अटैक या साइबर अटैक्स हुए थे, उसका 40% अटैक हमारे इंडिया पर हुए थे, जिसकी वजह से इंडिया पूरे दुनिया में 7th नंबर पर सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स होने वाली नेशन में से बन चुका है। और यहाँ पर 2017 में से 40% जो है यहाँ पर होता था, यानी कि 53,000 लगभग यहाँ पर साइबर अटैक्स का वो इंडिया में 2017 में देखने को मिले थे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है और बहुत बड़ी एक इशू है, रिस्क है। वो आती है एंड्रॉइड पी को लेकर। तो यहाँ पर जो एंड्रॉइड पी पर गूगल काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो एंड्रॉइड पी आपके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन जो सीक्रेटली बैकग्राउंड में आपके कैमरा को और आपके माइक्रोफोन को यूज करता है, उसे जो है ऐसा करने से रोकेगी। तो यहाँ पर मतलब एंड्रॉइड पी में पूरी पूरी सिक्योरिटी का भी आपको ध्यान रखा जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर सिक्योरिटी इशूज यहाँ पर शायद कम देखने को मिले, जैसा कि मार्क जुकरबर्ग करते हैं अपने फ्रंट कैमरा पर टेप और माइक्रोफोन पर टेप लगा के रखते हैं पूरे, मतलब यहाँ पर कहते हैं वो कि हम उससे भी ज्यादा जीनियस पूरी दुनिया में बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, अगली न्यूज़ आती है वो आती है मोटो G6 प्ले को लेकर। तो यहाँ पर जो है वो बेंचमार्क लिया है वेबसाइट यानी गीकबेंच पर जो है स्पॉट किया गया है इसे, जहाँ पर प्रोसेसर जो कि आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, पहले न्यूज़ में बताया था, वो है यहाँ पर 430 प्रोसेसर स्नैपड्रैगन के, यहाँ पर 3GB रैम है, एंड्रॉइड 8.0 ओरियो पर रन करेगा। इसकी जो डिस्प्ले है वो 5.7 इंच की HD+ यानी 720p वाली 18:9 डिस्प्ले। और यहाँ पर आपको 4000mAh की बैटरी मिलती है। और बेंचमार्किंग स्कोर जो थे वो सिंगल कोर प्रोसेसर आपको स्कोर देखने मिलते हैं वो है 472 और मल्टी कोर प्रोसेसिंग स्कोर आपको मिलते हैं 1801 स्कोर। तो यहाँ पर मतलब कोई ज्यादा हाई एंड स्कोर भी नहीं, ना इतने लो एंड स्कोर है। तो यहाँ पर मतलब बजट सेगमेंट से थोड़ा नीचे आप कह सकते हैं 10,000 तक का ये फोन आपको देखने को मिल सकता है, स्पेक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही यहाँ पर जो है इन जो मोटो G6, G6 प्लस और G6 प्ले उनके कोड नेम्स भी हैं वो आपको देखने को मिलते हैं लीक्स में। तो बात कुछ G6 प्लस जो है वो आपको टेलर के नाम से मिलता है, कोड नेम उसका टेलर है। वहीं अगर हम बात करें G6 की तो वो आपको ब्लेन नाम से मिलता है, कोड नेम उसका ब्लेन है। और वहीं G6 प्ले की बात करें तो G6 प्ले आपको कोड नेम के साथ मिलता है एशली। वो आती है एंड्रॉइड पावर्ड स्मार्ट स्कूटर के। तो यहाँ पर जो है आर्कोस सिटी कनेक्ट नाम का ये एक एंड्रॉइड पावर्ड स्मार्ट बैटरी स्कूटर है, जो कि आपको शायद मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो खासियत है वो कुछ ऐसी है कि इसकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो प्राइसिंग है वो होगी 499.99 यूरो, यानी अप्रोक्सीमेटली 40,000 जो है इसकी प्राइसिंग होने वाली है। वहीं इसकी टॉप स्पीड होगी 25 km/h और ये चार्ज होने के बाद मैक्सिमम 25 km तक आप इसे ले जा सकते हैं। 5 इंच की इसमें IPS टच पैनल दिया गया, जिसमें आपको एंड्रॉइड 8.0 ओरियो चला सकते हैं। इसमें जो 1GB की रैम है, 8GB की इंटरनल स्टोरेज है, वाईफाई, 3G और बाकी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लासेस डिस्प्ले पे मिल जाता है, क्योंकि यार आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को यूज करेंगे तो डेफिनेटली बूम बूम करते वक्त आप दर्द होगी, नचों में चलाएंगे, आफ्टर ऑल इट्स इंडिया। तो यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लासेस में दिया गया है। वो आते हैं सैमसंग गैलेक्सी S9 S9 Plus के लॉन्च को लेकर। तो यहाँ पर जो है लॉन्च वेन्यू है वो वगैरह तो आपको मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में S9 देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR की मदद से यहाँ पर सैमसंग तैयारी कर रहा है आपको उसके अनपैकिंग को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग तो होने वाली है यहाँ पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में नोकिया सैमसंग के S9 S9 Plus की। तो यहाँ पर जो एक एप्लीकेशन यहाँ पर सैमसंग ने लॉन्च की है जो है अनपैक 2018, प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो फिलहाल अभी काउंटडाउन चल रहा है कि कब आपको S9 Plus देखने को मिलेगा 2018 की मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में। तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे इस फीचर में, इस एप्लीकेशन में आपको टॉप राइट कॉर्नर में देखने को मिलता है AR फीचर, AR बटन जिसे आप टच करेंगे तो यहाँ पर जो सैमसंग के लोगो वगैरह को देखने के बाद
स्कैन करने के बाद वो एप्लीकेशन आपको उसका वेन्यू देगी, यानी आपको उसकी अनबॉक्सिंग जो भी अनपैकिंग होगी उस इवेंट की, वो आपको आपके स्क्रीन पर उस जगह पर देखने को मिलेगी ऑगमेंटेड रियलिटी के तौर पर। फ्रेंड्स अगली न्यूज़ आती है वो आती है सैमसंग टैब गैलेक्सी टैब S4 को लेकर। तो यहाँ पर जो सैमसंग के S9 S9 Plus तो बहुत बड़ा मतलब चल रहा है कि यहाँ पर S9 S9 Plus मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में लॉन्च होंगे, तो यहाँ पर जो है टैब S4 भी आपको मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ लीक्स आई हैं और ये GFX Benches नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पे इसके बेंचमार्क स्कोर्स को टेस्ट किया गया, वहाँ पर जो है इसे स्पॉट किया गया। तो यहाँ पर जो 10.5 इंचेस की 2560x1600 पिक्सल की आपको रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले में देखने को मिलती है, 2.3 GHz वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर है क्वालकॉम का, वहीं इसका जो GPU है वो है Adreno 450। अब Adreno 450 से आपको पता लगा सकता है कि यहाँ पर जो आपको Snapdragon 835 देखने को मिलेगा और यहाँ पर 4 GB RAM की होगी इसमें और 64 GB इंटरनल स्टोरेज होगी और ये पर रन करने वाली डिवाइस। फ्रेंड्स अगली न्यूज़ आती है वो आती है भाई सब Xiaomi की गेमिंग स्मार्टफोन के। तो यहाँ पर जो Xiaomi का एक सब ब्रांड है Miibo छोड़ के दूसरा जिसका नाम है ब्लैक शार्क, तो वहाँ जो है वो आपको इसका ये गेमिंग स्मार्टफोन आपको स्पॉट किया गया है उसका AnTuTu बेंचमार्क्स पर, जिसके अकॉर्डिंग इसमें आपको 32 GB 64 GB 128 GB के आपको इंटरनल स्टोरेज वाले शायद वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। इसमें 8 GB की रैम होने वाली है, इसमें Qualcomm का Snapdragon 845 प्रोसेसर होगा, इसमें होगा आपको मिलेगा GPU Adreno का 630, सब कुछ लेटेस्ट है। यहाँ पर रैम आपको बहुत अच्छी बेहतरीन मिल रही है और यहाँ पर जो इसके फुल HD+ रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले होने वाली 18:9 के साथ, यहाँ पर जो उसके बेंचमार्क स्कोर्स है वो भी कुछ कम नहीं। यहाँ पर S9 Plus के स्कोर जो होते हैं वो है 265,267, वहीं अगर हम इस फोन के बेंचमार्किंग स्कोर्स की बात करें तो वो आपको देखने को मिलते हैं 270,603। तो ये जो फोन है वो S9 Plus से भी बेहतरीन बेंचमार्किंग स्कोर्स आपको दे रहा है, तो डेफिनेटली ये फोन जो है आपको बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। तो क्या पता ये शायद Xiaomi का अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन है Mi 7 में भी, या कुछ कह नहीं सकते, ये मेरा आइडिया है। तो फ्रेंड जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है WhatsApp की तरह से। तो WhatsApp जो है अब आपको स्टिकर्स का फीचर देने वाला है, तो यहाँ पर विंडोज फोन बीटा में इसकी टेस्टिंग चल रही है फिलहाल और नए स्टिकर फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। और एक और फीचर आपको ऐड मिलेगा इसमें वो होगा लाइव लोकेशन शेयरिंग का, यानी आप अपनी लाइव लोकेशन को शेयर कर पाएंगे अपने WhatsApp पर। बाकी देखते हैं यार ये कब तक आएगा, विंडोज फोन पर ये टेस्ट हो रहा है, एंड्रॉइड और iOS में नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। तो फ्रेंड्स अगली न्यूज़ आती है वो आती है सैमसंग गैलेक्सी J2 और J2 2017 एडिशन को लेते। यहाँ पर जो है दोनों फोन में कट ऑफ हुए प्राइसिंग, अब ये दोनों फोन आपको देखने को मिलते हैं J2 Pro आपको देखने को 7,690 का, वहीं अगर आप बात करें J2 2017 वाले एडिशन की तो वो आपको मिलता है 6,590 रुपये। अगर आप सोच रहे थे खरीदने को खरीद सकते हैं, यहाँ पर अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक मिल जाती है, मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं ये फोन तो मैं कह सकता हूँ आपसे। फ्रेंड यहाँ जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज को लेकर। तो यहाँ पर जो है गूगल प्रोजेक्ट जीरो जो कि सभी टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करता है कि इसमें कोई फ्लॉ तो नहीं है, हमारे जो यूजर्स जो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं इसमें कोई फ्लॉ तो नहीं है, जैसे कि आपको पिछले साल नहीं इस साल जनवरी में देखने को मिलता है मेल्टडाउन और स्पेक्टर नाम के दो फ्लॉ बताए थे सारे प्रोसेसर्स में, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बात थी। और यहाँ पर जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट एज के ब्राउजर में भी ये चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पर सिक्योरिटी फ्लॉ बताया गया कि इसके अकॉर्डिंग हैकर जो है आपके कंप्यूटर के अंदर एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर को इंजेक्ट कर सकते हैं। इस ब्राउजर में कुछ ऐसा फ्लॉ है जिसके बारे में नवंबर 2017 में गूगल को सबसे पहले पता चला था गूगल के प्रोजेक्ट जीरो के अंडर, और माइक्रोसॉफ्ट को इन्फॉर्म किया था, उसने कहा था कि 3 महीने के अंदर इसके लिए पैच रिलीज कीजिए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने फिलहाल तक कोई पैच रिलीज नहीं किया है। तो फ्रेंड यहाँ जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है गूगल की एक सब कंपनी लोगे जो कि है वर्ली, और यहाँ पर जो वर्ली ने ऐसा पाया है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को हम इतना उन्नत कर सकते हैं कि हम मशीन लर्निंग के अकॉर्डिंग हमने अपनी रेटिना को अपनी आँख की रेटिना जो है उसे स्कैन करेंगे और उससे हम पता लगाएंगे हमारी हार्ट डिजीजेस कितनी है, क्या डिजीजेस है अपने हार्ट में, कोई डिजीज है या नहीं है। देखिए डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, सिर्फ आपको स्कैन करके आपको पता चल जाएगा आपको हार्ट डिजीज है। तो फ्रेंड्स अगली न्यूज़ अच्छी वो आती है नोकिया 9 को लेकर। यहाँ पर जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में नोकिया 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 भरे हुए, क्योंकि नोकिया 1 है, नोकिया 7 Plus है, नोकिया प्रो है, नोकिया 8 Pro है, नोकिया सिरोको है, नोकिया 10 है, मतलब बहुत बहुत सारे नोकिया की वैरायटीज है। यहाँ पर नोकिया 9 की कुछ रिटेलर्स की वेबसाइट से इमेजेस आई हैं कि वो बैक कवर के अकॉर्डिंग जो बैक कवर वो बेचना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नोकिया 9 की इमेजेस आई हैं, जिसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी जो लीक है वो ये है कि आपको नोकिया 9 में साइड में मतलब दोनों ही साइड सैमसंग गैलेक्सी S7 एज की तरह बिल्कुल कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलेगी साइड से, ऊपर और नीचे तो बेजल्स होंगे लेकिन साइड से जो स्क्रीन होगी वो होगी कर्व्ड, और यहाँ पर 3.5 mm ऑडियो जैक आपको नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ पर USB Type-C पोर्ट आपको नीचे देखने को मिलेगा और यहीं आपको नीचे देखने को मिलेगा स्पीकर ग्रिल। तो फ्रेंड ये तो थी अच्छी कुछ कमाल की टेक न्यूज़, आई होप आपको ये न्यूज़ पसंद आई, अगर आपको लगा होगा मैंने कुछ अच्छा आपको दिया है तो डेफिनेटली वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा जिस दबाने से मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा, साथ ही बराबर मिलेगा बेल आइकन जिस दबाने से होगा ये जब मेरे को नई वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेगा। और यार मिस भी मत किया करिए, मैं आपके लिए इस तरह की टेक न्यूज़ और डेली टेक वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ,
तो जाइए चैनल चेक कीजिए, कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।